बेटा अब हम स्टार्ट करते हैं यूनिट नंबर 3 की ही नेक्स्ट वीडियो। कल हमने एंडिंग कहाँ पे की थी, शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम लेवल के बारे में की थी, किसकी, फर्म की, ठीक है ना। जहाँ पे आपने क्या बोला था सर, शॉर्ट टर्म में आपकी किसी भी फर्म को इनिशियली कौन से प्रॉफिट होते हैं बेटा, एबनॉर्मल प्रॉफिट। बट जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ता है आपको तीन टाइप के प्रॉफिट देखने को मिलते हैं। एक आपने पढ़ा था एबनॉर्मल, एक आपने पढ़ा नॉर्मल और एक आपने पढ़ा मिनिमम लॉस। बट सर अगर आप लॉन्ग रन की बात करो, लॉन्ग रन में आपकी सभी अंडरटेकिंग्स को कौन से प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। याद रखना इन परफेक्ट कंपटीशन मार्केट अगर आप लॉन्ग रन की बात करो तो आपको कौन से प्रॉफिट देखने को मिलेंगे, नॉर्मल प्रॉफिट। बेटा मैं इनिशियली आपको पहले शॉर्ट रन के बारे में बताता हूँ। शॉर्ट रन मार्केट की वो सिचुएशन होती है जिसमें आपके ऑलमोस्ट सभी फैक्टर्स क्या होते हैं, वेरिएबल। जस्ट और जस्ट आप अपने वेरिएबल फैक्टर्स में इंक्रीमेंट करके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हो। तो शॉर्ट रन में क्या होता है बेटा, मार्केट डिमांड ग्रेटर देन होती है मार्केट सप्लाई। यहाँ पर जो आपके सप्लायर होते हैं वो अपनी एफिशिएंसी पावर का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करते हैं और प्रोडक्शन कर दिया बेटा। उनकी एफिशिएंसी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन होने के बाद भी जो आपके नंबर ऑफ फर्म्स होते हैं वो काफी कम होते हैं और कस्टमर्स ज्यादा होते हैं, तो आपकी क्या हो जाती है उस केस में आपकी जो सप्लाई होती है, वो लेस देन रह जाती है बेटा डिमांड। सप्लाई लेस देन क्या रह जाती है, डिमांड। तो डिमांड आपके कस्टमर कर रहे हैं 200 यूनिट्स की और आपकी जो फर्में हैं उन्होंने प्रोडक्शन बना रखा है कितने का, 100 यूनिट्स का। तो बेटा जो उनकी एग्जिस्टिंग सप्लाई होगी, जो उनके पास अवेलेबल गुड्स होंगे उसके उनको ज्यादा प्रॉफिट्स मिलेंगे या नहीं, प्राइसेज बढ़ जाएंगे, क्योंकि जब आपकी डिमांड ग्रेटर देन सप्लाई होती है वो जनरली प्राइस को बढ़ा देती है। तो बेटा इसकी वजह से आपके प्रॉफिट इंक्रीज होंगे या नहीं होंगे। तो जितनी भी फर्में शॉर्ट रन में देखने को मिलती है उन सभी फर्मों को कौन से प्रॉफिट होते हैं आपको इनिशियली एबनॉर्मल। बट बेटा ये तो बात थी शॉर्ट टर्म की, मैंने कल डायग्राम बताया था, दोबारा बता देता हूँ सर आपको। शॉर्ट टर्म में एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ये सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब AR ग्रेटर देन AC होता है। AR ग्रेटर देन AC, मैं इसके आगे अगर S लिख दूं तो क्या जाएगा, शॉर्ट टर्म एवरेज रेवेन्यू ग्रेटर देन शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट, ठीक है बेटा। सर ये आपकी प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है इकोनॉमिक्स में, AR, ये AR इज इक्वल टू MR। सर अगर आपकी कॉस्ट कम है तो वो कहां से जाएगी, नीचे से। ये मेरी क्या चली गई बेटा, ये मेरी चली गई शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट। दूसरा कल आपने हमें बताया था इक्विलिब्रियम लेवल की कंडीशंस के बारे में, दो बताई थी सर आपने। पहली क्या बताई थी, MC इज इक्वल टू MR। सेकंड कंडीशन, MC कर्व कट्स द MR कर्व फ्रॉम बिलो साइड, ठीक है ना, ये कर दिया। तो सर ये मेरी क्या गई, ये मेरी गई सर नीचे से MC कर्व। MR को कहां पे काट रही है, नीचे से। ये क्या हो गया, इक्विलिब्रियम लेवल। सर यहाँ पर आपको कॉस्टिंग इतनी जनरेट हो रही है, बेच इतने मिले हो, तो बेच का डिफरेंस क्या हो गया, एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन से हो गए, एबनॉर्मल प्रॉफिट, समझ रहे हो। सर ये कब लागू होता है, इन शॉर्ट रन, इन शॉर्ट रन। अब मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग रन की, किसकी, लॉन्ग रन। अब सुनो, जैसे ही इन फर्मों के प्रॉफिट्स को रिमेनिंग प्रोड्यूसर्स देखेंगे वो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जैसे ही वो अट्रैक्ट होंगे वो उसमें उछाल मारेंगे और उनके आने से यहाँ पे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। बट बेटा नंबर ऑफ कस्टमर पहले भी उतने थे और अभी भी उतने ही हैं, तो कस्टमर कितनी यूनिट की डिमांड कर रहे हैं, 200। क्या होता है लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में बेटा आपके हमेशा मार्केट में जो प्राइस होता है वो डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज की हेल्प से होता है, विदाउट गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। तो सर ये आपने जहाँ पे ये कट किया, ये इक्विलिब्रियम लेवल सेट किया, ये सर आपकी क्वांटिटी, ये सर आपका प्राइस, समझ रहे हो क्या मेरी बात को। अब सुनो सर आप किसकी बात कर रहे हो अब, इन लॉन्ग रन, क्योंकि मैं शॉर्ट रन आपको पढ़ा चुका हूँ। लॉन्ग रन सर, लॉन्ग रन में अब मेरे को क्या पता चला, लॉन्ग रन में डिमांड जो कस्टमर की है वो क्या है, 200 यूनिट की। तो सर सप्लायर नहीं आए तो सप्लाई बढ़ गई, और आपने क्या बोला था, इकोनॉमिक्स में कोई भी चीज कहाँ पे बढ़ती है, राइट हैंड साइड में। तो ये मेरा राइट हैंड साइड है, अमन डिमांड क्या है, कॉन्स्टेंट, मैंने क्या बढ़ा दी, सप्लाई। तो सप्लाई क्या हो गया आपका, S से S1 हो गई, ये क्या हो गया, E से E1 हो गई, ये क्या हो गया, क्या उसे क्या ओवर हो गई, यानी यहाँ पे आउटपुट बढ़ा बेटा। बट उसकी वजह से आपको अगर ज्यादा क्वांटिटी मार्केट में बेचनी है तो आपको अपना प्राइस कम करना पड़ेगा। अगर आप अपने प्राइस को कम करते हो, प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो बेटा आपके जो प्रॉफिट्स होंगे वो भी रिड्यूस हो जाएंगे। बेटा पहले ये जो आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट थे
ये लिमिटेड फर्म में शेयर कर रहे थे, अब आपकी नंबर ऑफ फर्म बढ़ जाएंगे, उनके एबनॉर्मल प्रॉफिट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, नॉर्मल में, क्योंकि सब में बढ़ेगा। तो बेटा लॉन्ग रन में आपको जो जनरेट होगा वो नॉर्मल प्रॉफिट होंगे। चले अब इसका डायग्राम बना रखा मैंने, ये क्या हो गया सर, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट। क्योंकि सर लॉन्ग रन क्या बोलता है, ये बोलता है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू और इज इक्वल टू, सारा हो गया ना ये सारे के सारे। सर आपने बोला था रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, कॉस्ट। लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू किसके इक्वल है, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के बराबर है। सर फिर आपने बोला एमसी इज इक्वल टू एमआर, एमसी कर्व कटती है एमआर कर्व फ्रॉम बिलो, तो सर ये भी यहाँ पे क्या होगी, इक्विलिब्रियम लेवल पे बराबर होगी। तो सर यहाँ पर सारे के सारे पॉइंट एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, कट। एल ए आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एल एम आर प्राइसिस के इक्वेलेंट होता है। तो सर यहाँ से क्या निकाल लिया आपने, एल ए सी, नीचे से क्या जाएगी सर, एल एम सी, जहाँ पे कट करेगा वो क्या होगा, इक्विलिब्रियम लेवल। और लॉन्ग रन में जो प्रॉफिट आपको मिलते हैं वो कौन से प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। शॉर्ट रन में कल वाले में क्या कहते थे, एबनॉर्मल, आज वाले में मैंने क्या किया, नॉर्मल। ओके रिपोर्ट है बेटा, कर सकते हो या नहीं कर सकते, वट एवर कोई भी क्वेश्चन वो पुट करे। अब हम देखते हैं हमारे मटेरियल में क्या क्या दे रखा है। देखो बेटा ये इसने बता दिया, नीचे आ जाओ आप सबसे लास्ट में, ये बोलता है मेरे को दस, इन द लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कॉम्पिटिशन द मार्केट मैकेनिज्म लीड्स टू ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, द ऑप्टिमम इज शोन बाय द फॉलोइंग आउटकम्स। नंबर फर्स्ट, द आउटपुट इज प्रोड्यूस एट द मिनिमम फिजिबल कॉस्ट। बेटा आपका जो प्रोडक्शन है उसको आप कम से कम कॉस्ट को बियर करते हुए आप क्या कर दोगे, प्रोड्यूस कर दोगे। इट मीन्स आप लॉन्ग रन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को बिल्कुल मिनिमाइज कर देते हो, क्योंकि आपके पास कंफर्टेबल मैच के साथ बिल्कुल इजीली, इसको बोलते हैं इजीली। फिर बोलता है सेकंड में, कंज्यूमर पे द मिनिमम पॉसिबल प्राइस। बेटा कंज्यूमर के पास मैक्सिमम टाइम है या नहीं है, तो कंज्यूमर से आप अगर ज्यादा प्राइस ही चार्ज करोगे तो वो अगली शॉप पे चला जाएगा या नहीं चला जाएगा, वो मैक्सिमम पे करना पसंद करता है या मिनिमम, मिनिमम। तो कंज्यूमर आपको मिनिमम से मिनिमम देना पसंद करेगा। तो उस केस में बोलता है मेरे को जस्ट कवर द मार्जिनल कॉस्ट। बेटा अगर आपको लॉन्ग रन में अपनी मार्जिनल कॉस्ट भी कवर हो रही है तो तुम कंटिन्यू रहना, क्योंकि मार्जिनल कॉस्ट में प्रॉफिट का मार्जिन इंक्लूड होता है बेटा। तो एमसी इज इक्वल टू अगर एआर हो रही है लॉन्ग रन में तो भी कंटिन्यू रहना, क्योंकि कंज्यूमर काफी अवेयर है तो आपको ज्यादा प्राइस मिलेगा। फिर बोलता है प्लांट्स आर यूज टू फुल कैपेसिटी इन द लॉन्ग रन सो दैट देयर इज नो वेस्टेज। बेटा आप अच्छी तरह जानते हो आपके कॉम्पिटिटर पूरे के पूरे पूरे अवेयर है और वो अपनी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करना चाहेंगे, क्योंकि वो मार्केट में टिके रहना चाहते हैं। तो बेटा आप अपने प्लांट का प्रॉपर यूटिलाइजेशन करोगे जिससे आपकी कॉस्ट मिनिमाइज हो सके। तो वो कहां पे होता है, जहां पे एमसी इक्वल टू क्या किया, एसी। फिर बोलता है फर्म अर्न, मैंने आपको बता दिया बेटा एसी इक्वल टू एआर, फर्म को कौन से प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। फिर बोलता है फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट, फर्म मैक्सिमाइज प्रॉफिट एमसी इक्वल टू एमआर, बट द लेवल ऑफ प्रॉफिट विल बी जस्ट नॉर्मल, वो नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। देयर इज ऑप्टिमम नंबर ऑफ द फर्म, पता क्या होता है बेटा लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में एक क्वेश्चन बच्चे ने मेरे को पुट किया, सर नॉर्मल प्रॉफिट आपने बोला, शॉर्ट रन में आपने बोला था एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट होते हैं और मिनिमम लॉस होता है। सर यहाँ पे नहीं होता क्या, बेटा मैं आपको बता दूं, जैसे ही कुछ फर्में मार्केट में एंट्री करती हैं और जैसे ही कुछ फर्मों के प्रॉफिट शेयर होने लग जाते हैं, तो कुछ फर्मों के आने से यहाँ पे जतिन क्या होता है, कुछ फर्में छोड़कर चली जाती हैं, ऐसा चलता रहता है बेटा, आना जाना आना जाना। तो अगर फर्में आ रही हैं तो कुछ फर्में जा भी रही हैं, तो एक टाइम पीरियड के बाद जो आपका लेवल होता है वो एडजस्टिंग बना रहता है, इसलिए आपको हमेशा कौन से प्रॉफिट होते हैं, नॉर्मल। बेटा नॉर्मल से नीचे जाना तो आप बिजनेस को क्विट करते हो, ठीक है ना, ये चीज होती है। तो ये आपको जनरली प्राप्त होते हैं। ऑप्टिमाइजेशन में क्या होगा लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू लॉन्ग रन मार्जिनल रिवेन्यू इज इक्वल टू, आपको पता है प्राइस इज इक्वल टू एआर होता है, इज इक्वल टू एलएमसी और इज इक्वल टू एलएसी। क्या आप मेरी बात से सहमत हो, ये लॉन्ग रन, ठीक है बेटा। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोनोपोली, मोनोपोली क्या होती है, अगर नेक्स्ट मार्केट है अपनी मोनोपोली, मोनोपोली का मतलब हिंदी में होता है एकाधिकार, क्या होता है बेटा एकाधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार, एक व्यक्ति का अधिकार, जहां पर मार्केट में किसी भी कॉमोडिटी को तो बेटा मोनोपोली मार्केट की वो सिचुएशन होती है जिसमें
किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने वाला एक सिंगल सेलर एंड लॉट ऑफ बायर्स होते हैं। बेटा इस मार्केट में ध्यान रखना, इसमें आपके प्रोडक्ट जो मोनोपोलिस्टिक के थ्रू सेल किया जाने लग रहा है उसका कोई भी क्रॉस सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि आपसे मिलता जुलता प्रोडक्ट अगर मार्केट में अवेलेबल है तो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन बन जाएगा। और मैं बात कर रहा हूँ किसकी, मोनोपोली मार्केट की। बेटा मैं तीन मोनोपोली मार्केट के आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक है रेलवे, जो 2022 के मिड तक शायद अभी आप मोनोपोली में देखो, फिर उसका प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आपको देखने को मिलेगा। अडानी रेलवे, टाटा रेलवे देखने को मिलेंगे आपको। फिलहाल अभी तक वो किसका पार्ट है, मोनोपोली का। सर मोनोपोली मार्केट की सबसे बड़ी फीचर होती है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। बेटा उसे बोलता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन या प्राइस डिफरेंशिएशन, जब आप अपने सिमिलर प्रोडक्ट के डिफरेंट काइंड ऑफ कस्टमर से डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करते हो, ठीक है ना, ज्योग्राफिकल एरिया को देखते हुए, उसके कहते हैं आपके यूसेज को देखते हुए, इस तरह। जैसे मैं बात करता हूँ बेटा इसमें रेलवे की, रेलवे में क्या होता है बेटा, एक कोच होता है जिसको आप क्या बोलते हो, एक कोई भी क्या होता है, ट्रेन, ठीक है ना। उसमें तीन वो भागों में बांट दिया आपने उसको, एक तो आपने किस में बांट दिया उसको, एसी कोच में, एक आपने किस में बांट दिया उसको, आपके कहते हैं ये स्लीपर कोच में, और एक आपने जनरल कोच में। बेटा रेलवे की जो स्पीड होगी रेल की बिल्कुल एज इट इज होगी, बट अगर आप किसी भी डब्बे में हो, बट बेटा फैसिलिटीज मैटर करती है। एक में आपको फुली एसी, एक में आपका स्लीपर जिसमें आप सो सकते हो, और एक में आपका जनरल जिसमें जस्ट आपको बैठने का, ठीक है ना। तो बेटा इस तरह आपको डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज के यहाँ पर डिफरेंट काइंड ऑफ चार्जेज आपसे लिए जाते हैं, इसी को बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। और इसी का दूसरा नाम क्या होता है, प्राइस डिफरेंशिएशन। समझ रहे हो मेरी बात को, ये कब होता है सर, ये आपका होता है मोनोपोली। एक बेटा इसी का, इसी में मोनोपोली में आपका एग्जांपल है पोस्ट ऑफिस। बेटा अभी तक इंडिया में कोई भी प्राइवेट पोस्ट ऑफिस मैंने नहीं देखा। आपके पोस्ट ऑफिस किसके ब्रांचेज होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है ना। इसी में आपका एग्जाम्पल है जिसमें आपकी सिंगल मोनोपोली है गवर्नमेंट की, डिफेंस सेक्टर। बेटा डिफेंस हमेशा किसके थ्रू होल्ड किया जाता है, आपके गवर्नमेंट के थ्रू, सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। तो ये मोनोपोली में आते हैं, समझ रहे हो ना। तो सिंगल सेलर और क्या आ जाएगा बेटा, लॉट ऑफ बायर, ठीक है ना। और मैंने क्या बोला, पहले फीचर्स, अगर मैं इसके फीचर्स को लेके बात करूं, अगर मैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स को लेके बात करूं, पहले नंबर पे क्या आएगा, सिंगल सेलर एंड लॉट ऑफ बायर्स, सिंगल सेलर्स एंड लॉट ऑफ बायर्स। फिर क्या आता है, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। सर ये सब्स्टिट्यूट क्या होते हैं, रिप्लेस करने वाला। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या होता है बेटा, रिप्लेस करने वाला। जो आपका एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट होता है बेटा, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट, जब आपके उस एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को कोई अनदर वन प्रोडक्ट रिप्लेस कर दे, उसे उसका क्लोज सब्स्टिट्यूट बोला जाता है। लाइक टी एंड कॉफी, टी और कॉफी दोनों के सेम फीचर होते हैं बेटा। अगर टी के प्राइसेज बढ़ेंगे तो उसको रिप्लेस मार देगी कॉफी, तो उसे बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। बट बेटा यहाँ पर जो मैं बना रहा हूँ वो मैं ही बना रहा हूँ, मेरा कोई भी मार्केट में कॉम्पिटिटर नहीं है। डेट्स वाई मैं किसमें हूँ, मोनोपोली, ठीक है ना। रेलवे का भी कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, तो इसलिए वो रेलवे मोनोपोली में, ठीक है ना। तो आपका कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में नहीं होता, ठीक है ना। फिर क्या होता है सर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में आपने बताया था, नो कंट्रोल ओवर प्राइस, नो कंट्रोल ओवर प्राइस। यहाँ पे मैं क्या बोलता हूँ, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। यहाँ पे क्या बोलता हूँ, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस। इस मार्केट में आपका प्राइस के ऊपर फुल कंट्रोल होता है। मैंने अमन ये बताया था, एक ग्रुप ऑफ फर्म्स इज कॉल्ड एन इंडस्ट्री, फर्मों के ग्रुप को आप इंडस्ट्री बोलते हो। बेटा अगर मार्केट में सिंगल ही फर्म है वो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्री हुई या नहीं हुई, तो प्राइस को डिसाइड कौन करता है, इंडस्ट्री। यहाँ पे कौन है, मोनोपोली में जो फर्म है वही इंडस्ट्री है, तो वही प्राइस टेकर होगी, वही प्राइस मेकर होगी। ध्यान से सुनना, एमसीक्यूज करने वाले हो तो, मोनोपोली मार्केट, मार्केट की वो मार्केट होती है जिसमें वही प्राइस टेकर और वही मार्केट में प्राइस मेकर होती है, क्योंकि इंडिविजुअल फर्म है और फर्मों के ग्रुप को इंडस्ट्री बोला है, यहाँ पर यही प्राइस को डिसाइड करने वाले होंगे। तो प्राइस टेकर भी यही है, प्राइस मेकर भी यही है। डेट्स वाई मैंने क्या बोला, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, ठीक है। ये होता है, और क्या होगा, और क्या होगा बेटा, क्या मार्केट सुना नहीं मैंने, मार्केट पावर, मार्केट पावर क्या होती है सर, मार्केट पावर इसी का पार्ट है। मार्केट पावर का मतलब होता है बेटा मार्केट को होल्ड करने की पावर रखना,
यहाँ पर बेटा मोनोपोली में जो आपकी फर्म है उसके पास ये पावर है, वो प्राइस को अपने अकॉर्डिंग क्या कर सकती है, एडजस्ट, और प्राइस को क्या कर सकती है, अपने अकॉर्डिंग किसी भी तरह चार्ज कर सकती है। उसके पास मार्केट में डिमांड और सप्लाई दोनों फैक्टर्स के ऊपर होल्ड करने की पावर है, और प्राइस का डिटरमिनेशन करने की पावर होती है उसके पास। और क्या हो सकता है, क्या बैरियर्स टू एंट्री, एंट्री बैरियर्स। सर ये नई फर्मों को जो आपकी एग्जिस्टिंग फर्में होती हैं इसमें क्या नहीं करने देती, एंट्री नहीं करने देती। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बेटा, एक मोनोपोली वाली फर्म, उसका नाम ए है, बी इसको देख के मार्केट में एंट्री करना चाहती है। ये बेटा इसकी जो प्रोडक्ट की रिवेन्यू है, एवरेज रिवेन्यू, वो पर यूनिट रिवेन्यू कितनी आती है, वो बोल रहा है ऑन एन एवरेज ही आती है, चलो मार्जिनल ले लेते हैं, पर एडिशनल के अकॉर्डिंग कितने रुपए में बेचता है, 10। और उसने भी इसके अकॉर्डिंग कितने में बेच दिया, 10 रुपए में। इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी, 8। उसकी भी पर यूनिट कॉस्ट कितनी आ रही थी, 8, ठीक है ना। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें कितने रुपए का प्रॉफिट अर्न कर रहा था, ये 2 रुपए का, कितने का, 2, और वो भी कितने का कर रहा था, बेटा 2, भला चंगा। बट बेटा ये पिछले 19 सालों से मार्केट में है, इसने अरबों रुपए कमा लिए, वो अंडरटेकिंग अभी अभी आई है, इसने उसको खदेड़ने के लिए अपने पैसेज कम कर दिए, अपने पैसेज क्या कर दिए बेटा, कम। इसने क्या कर दिया, 8 बेटा, उसको भी मजबूरी में क्या करना पड़ा, 8। वो बोला नो प्रॉफिट नो लॉस, नील कर दिया। और इसने भी क्या कर दिया बेटा, अपना नील कर दिया। यहाँ तक भी ओके था, कोई बात नहीं, सरवाइव करना तो मुझे करना पड़ेगा बेटा। उसने क्या किया, मार्जिनल कॉस्ट ये अपना कितना कर दिया, 6 रुपए। और बेटा अब कितने का लॉस उठाने लग रहा है वो, यहाँ पे 2 रुपए का, कितने का लॉस उठा रहा है, 2 का। बेटा ये भी अपना कितना करेगा, 6, कितने का लॉस उठा रहा है, 2 का। क्या लगता है कितने टाइम पीरियड तक सर्वाइव कर पाएगा, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 1 साल। उसके बाद बेटा ये उस लॉस को सहन नहीं कर पाया, इसने मार्केट से क्विट कर दिया। ऑटोमेटिकली दोबारा कौन आ गया मोनोपोली में, ए, और वो फिर दोबारा क्या करेगा, मार्केट में प्राइसेज को बढ़ा देगा, और फिर दोबारा क्या करने लग जाएगा, इनकम जनरेट करने लग जाएगा। इस तरह जो लॉसेज उसने प्रीवियस वन कम उठाए थे, वो तो उसने क्या कर दिया, शॉर्ट टर्म के लिए उठाया, उसके बाद वो क्या करेगा, प्राइसेज बढ़ाकर दोबारा प्रॉफिट कमा लेगा। That's why वो एंट्री बैरियर्स कर देता है। दूसरा एंट्री बैरियर्स होता है गवर्नमेंट की वजह से। गवर्नमेंट बोलते हैं फर्स्ट मूवर कौन है, जो पहली बार मार्केट में एंट्री करेगा हम उसको लाइसेंस देंगे, इसमें आने के लिए लाइसेंस चाहिए। अगर आपके पास लाइसेंस है और गवर्नमेंट किसी और को सेक्टर में नहीं बुलाना चाहती, तो वो गवर्नमेंट क्या कर देगी, वहां पे गवर्नमेंट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग बैरियर्स लगा देंगे। आप इसमें क्या नहीं कर सकते, एंट्री नहीं कर सकते। फिर ए आर एंड एम आर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या आते हैं, बराबर। ए आर एंड एम आर बोथ आर डिफर टू ईच अदर, बोथ आर डिफर टू ईच अदर। समझ रहे हो बेटा मेरी बात को, इसमें ए आर और एम आर दोनों के दोनों क्या होते हैं, डिफर होते हैं एक दूसरे से। इसको अभी मैं प्रूव करता हूँ। देखो बेटा अब आपा क्या करते हैं, अब आपा करते हैं ए आर एंड एम आर मोनोपोली में डिफर क्यों है। मैं आपको एक टेबल बना के दूंगा बेटा, क्योंकि आपको मैंने बताया था आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आना है, बताया था ना आपका न्यूमेरिकल आना है, 5 कंफर्म आएगा वो, तो मैं टेबल बना के देता हूँ। सर आपने बताया था हमें प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, ए आर, प्राइस इज इक्वल टू ए आर होता है इकोनॉमिक्स में। फिर आपको क्या लेना है, टी आर। सर टी आर का फॉर्मूला बताना एक बार, प्राइस इंटू में क्वांटिटी। फिर सर आपने क्या लिया, क्या ले लिया, एम आर। क्या फॉर्मूला था सर, टी आर एन माइनस में, टी आर एन माइनस वन। पहले बताओ यहाँ तक ओके है, ठीक है जी। अच्छा प्राइस 10 रुपए, 9 रुपए, 8 रुपए, 7 रुपए। बेटा यहाँ पे एक फीचर डाल देना इसकी, कौन सी, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। क्या डाल देना, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक फीचर और होती है इसकी, वो अलग है, फुल कंट्रोल ओवर प्राइस, वो अलग है। ये क्या होती है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। जब आप सिमिलर प्रोडक्ट के अलग अलग कस्टमर से अलग अलग प्राइसेज चार्ज करते हो, ये डाल देना। सर आपका कितना आया, 10, 9, 8, 7। एक बच्चा मेरे को यूं बोला कि सर जब आप यूं बोल रहे हो, आप मोनोपोली में हो, आप मन चाहे प्राइस ले सकते हो, क्या आपका दिमाग खराब है कि आप इसके प्राइसेस कम ले रहे हो। मैला बेटा मैं चाहता हूँ मेरे नंबर ऑफ कस्टमर बढ़ जाए। अगर कोई भी मोनोपोलिस्टिक ये चाहता है कि उसके मार्केट में डिमांड बढ़े और उसके कस्टमर्स बढ़ जाएं, तो उसे प्राइस के साथ क्या करना पड़ेगा बेटा, कॉम्प्रोमाइज। अभी तक मेरे प्रोडक्ट में डील कर रहे थे रिच पीपल्स, बेटा मैंने क्या कर दिया, प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज। मेरे साथ मिडिल क्लास फैमिली भी आ गई, उससे मेरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ेगी और प्रॉफिट का मार्जिन भी बढ़ेगा। दैट्स व्हाई बेटा मैं प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज कर देता हूँ, समझ लो। इसलिए 10, 9, 8, 7।
ठीक है ना। फिर क्या आ गया टी आर, टी आर इससे पहले क्या ले लेंगे आपा क्वांटिटी, क्या ले लेंगे क्वांटिटी, एक दो तीन चार। बेटा प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से करोगे तो क्या जाएगा टी आर, क्या जाएगा टी आर। टेन वन जा टेन, नाइन टू जा एटीन, एट थ्री जा ट्वेंटी फोर और सेवन फोर जा ट्वेंटी एट। गलत तो नहीं बोल गया, ठीक है बेटा। सर एम आर का फॉर्मूला बताना, ब्लेस कर दू। दस में से जीरो गए बेटा दस, अठारह में से दस गए आठ, चौबीस में से अठारह गए छह और यहाँ पर कितना आ गया चार। क्या मैंने कुछ गलत बोला बेटा? आपने बोला था ए आर इज इक्वल टू एम आर नहीं होता। ए आर कितना है दस, एम आर कितना है दस बराबर है नौ आठ, आठ छह सात चार। क्या ये बराबर है, क्या ये चीज बराबर है? नहीं। तो सर आपने क्या बोला ए आर एंड एम आर बोथ आर डिफर टू ईच अदर, क्या ये आपकी फीचर लागू हो रही है या नहीं हो रही? ठीक है सर, आपने डायग्राम भी बनाया था इसका डायग्राम। ये आपका क्या हो गया एवरेज रिवेन्यू और ये क्या हो गया आपका मार्जिनल रिवेन्यू। ठीक है, कर सकते हो या नहीं कर सकते? सर आपने बताया था अगली मार्केट मोनोपोलिस की कॉम्पिटिशन आएगी। सर आपने बोला था मोर फ्लैटर किसका होता है, मोनोपोलिस की कॉम्पिटिशन का, इन कम्पेयर ऑफ मोनोपोल, इन कम्पेयर ऑफ मोनोपोली। पता है क्यों बेटा? उसका रीजन है, रीजन ये बोलता है कि अगर प्राइस के साथ ज्यादा छेड़छाड़ करोगे मोनोपोली मार्केट में ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि आपका कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं है। बट अगर आप मोनोपोलिस की मार्केट में क्लोजअप 30 का है और पेप्सोडेंट 52 रुपए का बिकेगा, बताओ इतना बड़ा गैप क्या कस्टमर अफोर्ड करेगा? वो क्या करेगा, क्लोजअप खरीदेगा। मानते या नहीं मानते? तो वहां पर आपके प्राइस के इंक्रीमेंट का या प्राइस में होने वाले चेंजमेंट का बहुत बड़े लेवल पे इम्पैक्ट पड़ता है, इसलिए वो मोर फ्लैटर देन होता है। किसके कंपेयर में? यहाँ पे कम इम्पैक्ट पड़ता है, वहां पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है ना, ये चीज होती है। कर दिया बेटा, आगे चले। ठीक है, डू मोनोपोलिज अराइज। अब मैं ये क्वेश्चन पुट कर रहा हूँ, मोनोपोली अराइज कैसे होती है, क्या रीजन है कि आप मार्केट में अपनी कमांड बना लेते हो, क्या रीजन है कि आपकी मार्केट में पूरा का पूरा डंका बसता है, क्या रीजन है वो बोलता हूँ। सबसे पहले स्ट्रेटेजिक कंट्रोल ओवर ए स्कार रिसोर्सेज। आपने सर इकोनॉमिक्स में हमें बताया है कि जो आपका फर्स्ट चैप्टर था उसी में कि आपके जो रिसोर्सेज होते हैं वो लिमिटेड होते हैं, जिसको आप स्कार्सिटी बोलते हो। सर आपके पास इकोनॉमी में रिसोर्सेज तो लिमिटेड है और उन रिसोर्सेज के अनलिमिटेड यूज है। क्या बेटा? अनलिमिटेड यूज है। मानते हो या नहीं मानते? तो सर आपको अपने रिसोर्सेज को प्रॉपर मैनर में इस तरह यूटिलाइज करना है जिससे आप ह्यूमन बींग की सभी बेसिक रिक्वायरमेंट्स को क्या कर सको बेटा, पूरा कर सको। ठीक है ना बेटा, ये बोलता है उस इंसान ने क्या किया, उन नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर जो मार्केट में अवेलेबल रिसोर्सेज थे उसको खरीद लिया, उसके ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए क्या कर लिया, मालिकाना हक ले लिया। ठीक है ना, तो बेटा वो किसी और को शेयर करेगा नहीं करेगा, तो मोनोपोली किसकी बनेगी, जिसके पास रिसोर्सेज है। ठीक है ना, तो उसकी मोनोपोली हो जाती है। फिर बोलता है थ्रो डेवलपिंग और एक्वायरिंग कंट्रोल ओवर ए यूनिक प्रोडक्ट दे और दैट ए डिफिकल्ट और कॉस्टली फॉर अदर कंपनी टू कॉपी। बेटा आपने एक यूनिक प्रोडक्ट बनाया, उसके पेटेंट राइट ले लिए, यूनिक प्रोडक्ट बनाया उसके पेटेंट राइट, कोई और कंपनी सिमिलर प्रोडक्ट बना नहीं सकती, कॉपी कर नहीं सकती क्योंकि डिफिकल्ट टास्क होता है, आपके पास पेटेंट राइट होते हैं। तो बेटा आपकी मोनोपोली बनी रहेगी जब तक आपका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में नहीं आता। गवर्नमेंट ग्रांटिंग एक्सक्लूसिव राइट टू प्रोड्यूस, गवर्नमेंट ने बेटा आपको फर्स्ट मूवर एडवांटेज दी। क्या थी? फर्स्ट मूवर, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। गवर्नमेंट बोली कि आने वाले 10 सालों तक इस टाइप की इंडस्ट्री को हम मार्केट में एंट्री नहीं करने देंगे, हमारे अकॉर्डिंग ये इंडस्ट्री जो ये पर्सन है बहुत अच्छा काम कर रहा है, सराहनीय काम है, एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर रहा है, तो हम इसको डिमोरलाइज नहीं करना चाहते। जो गवर्नमेंट है उसको राइट ड्यूटी पावर दे रखे हैं, दैट्स व्हाई वो मोनोपोली में बना रहेगा। फिर बोलता है बेटा पेटेंट और कॉपीराइट, समझ गए होगे बेटा? आपने क्या किया, अपनी इंटेलिजेंसी के व्यापार, अपनी खुद की स्किल के व्यापार एक प्रोडक्ट बनाया, उस प्रोडक्ट को कॉपीराइट करवा लिया या पेटेंट राइट करवा लिया, तो गवर्नमेंट ने आपको परमिशन दे रखी है। बिजनेस कॉम्बिनेशन, इसको कार्टर्स बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? कार्टर्स। ये बोलता है काफी सारी कंट्रीज में इनलीगल है। कार्टर्स का होता था बेटा ग्रुप मेकिंग, कार्टर्स का मतलब लिखना ग्रुप मेकिंग। जब बेटा आप सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज, सिमिलर काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिशन को खत्म करने के लिए, टर्नओवर को बढ़ाने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए और नई फर्म को एंट्री करने रोकने के लिए, दो फर्म थी बेटा नई फर्म को रोकना चाहते हैं, तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया, गठबंधन। इसको क्या बोलते हैं? गठबंधन, कोलैसी जोड़ देना। तो इसको कार्टर्स के थ्रू बेटा आप क्या कर देते हो इस तरह का। मेरे को ये बताइए लीगल है या इनलीगल है? इंडिया में तो अभी इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं बोला गया, काफी सारी कंट्रीज में इनलीगल इसलिए बोला क्योंकि हर इंसान को बिजनेस करने का राइट है। आपने क्या किया, दोनों ने गठबंधन करके उसको रोक लिया बिजनेस करने से। सही है या गलत है? गलत है ना, दैट्स व्हाई कई जगह इसको इनलीगल बोलते हैं। कार्टर्स का मतलब होता है बेटा ग्रुप मेकिंग, जब दो अंडरटेकिंग्स आपस में हाथ मिला लें। फिर बोलता है
उसके बाद एक्सट्रीमली लार्ज सेटअप कॉस्ट, बेटा इसके अंदर आने के लिए आपको बड़े स्केल पे क्या करना पड़ता है, कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। मुझे रेलवे के बताओ, क्या आप सोच सकते हो रेलवे का बेटा, आप एक सिंगल अगर ट्रैक लगाने की भी बात करो, ट्रैक के लिए जमीन खरीदनी पड़ती है और जमीन के साइड का एरिया आपको एक्वायर करके वो खाली छोड़ना पड़ता है। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? ये काम गवर्नमेंट के बस का है या कोई भी प्राइवेट बिजनेसमैन कर सकता है? बेटा आप एक गांव को भी एक्वायर नहीं कर सकते, पूरी कंट्री के एरिया को तो कैसे एक्वायर करोगे? एक्वायर कर भी लिया, उसके बाद आपको वहां पे क्या लगाना है, रेलवे ट्रैक्स बिछाने हैं। पैसे लगेंगे या नहीं लगेंगे? आपको ट्रेन खरीदनी है, एक ट्रेन आपको 10 से 15 करोड़ की पड़ेगी, इतना पैसा है क्या? कितनी सारी ट्रेन अलग अलग रूट पे छोड़नी पड़ेगी, लगेंगे या नहीं लगेंगे? इंजन इतने महंगे होते हैं, तो बेटा ये आपका काफी आपका एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट होते हैं बेटा, इसमें कुछ सिलेक्टेड ही फर्में आपको देखने को मिलती है। दैट्स व्हाई फिर बोलता है आगे नेचुरल मोनोपोली। बेटा क्या ये नेचर की देन है, ठीक है ना, नेचर की, और कोई बंदा इसको क्या नहीं कर सकता, इसको प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बेटा मैं जिस भी लोकेलिटी में रहता हूँ वहां पे कोई इंसिडेंसली एक पानी का झरना बहता है, पानी का झरना, उस पानी के झरने की फीचर होते हैं कि अगर कोई भी पर्सन उसको उस पानी को पीता है तो उसको कोई भी फिजिकल डिजीज है तो ऑलमोस्ट वो ठीक हो जाती है। लोग बाहर से आते हैं पानी भरते हैं और मैं पर बोतल 50 से 100 रुपए चार्ज करता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेटा वो पानी नेचर की देन है या मैंने उसको मैन्युफैक्चर किया? नेचर मेरे को मेरे एरिया में थी, मेरे किलो में थी, तो मेरे को उसकी कमाई हो रही है। क्या बेटा मेरा पड़ोसी एज इट इज झरना वो कर सकता है? उसको आर्टिफिशियल झरना बोलते हैं। क्या वो वही क्वालिटी रखेगा जो मेरे वाले की है? नहीं ना, इसको नेचुरल मोनोपोली बोलते हैं, जो नेचर की वजह से, ठीक है ना, ये होता है। उसके बाद बोलते हैं एन ओवरियस गुडविल एंजॉयड बाय द फर्म और कंसिडरेबली लॉन्ग लॉन्ग पीरियड क्रिएट डिफिकल्ट बैरियर्स टू एंट्री। बेटा एक फर्म लॉन्ग टर्म तक गुडविल जनरेट कर रही है, यानी उसकी गुडविल वो क्या करने लग रही है, एंजॉय करने लग रही है, क्योंकि उसकी मार्केट डिमांड इतनी हो चुकी है कि सारी जगह उसी का नाम चलता है, ठीक है ना, सारी जगह। उसकी जैसे ही कोई नई फर्म आएगी क्या उसका नाम हो पाएगा? क्या उसे कॉम्पिटिशन दे पाएगी जो आपकी इतनी पुरानी हुआ है? तो बेटा डेट्स वाई नई फर्में आती है, आके चली भी जाती है, वो मोनोपोली में रहती है बड़े वाले। फिर बोलते हैं आपका लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट। इफेक्टली कई बार क्या होता है बेटा, गवर्नमेंट क्या करती है, बाउंडेशंस लगा देती है, लीगल आपके प्रोविजंस होते हैं, लीगल रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। डेट्स वाई उन रिस्ट्रिक्शंस को, उन फॉर्मेलिटी को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं होती और वो छोड़ देते हैं। इसका मतलब होता है बेटा कि कॉन्टिन्यूसली लीगल फॉर्मेलिटीज, लीगल रेगुलेटरी, लीगल फॉर्मेलिटीज। फिर होता है फर्म यूज वेरियस एंटी कॉम्पिटेटिव प्रैक्टिसेस। मैंने आपको बोला था ना बेटा, नई फर्म आई मैंने 10 का कितना कर दिया, 8 का कितना कर दिया, 6 का कितना कर दूंगा, 5, ये गलत है। किसी को भी रोकने के लिए बेटा जब मैं प्राइस के साथ कम करता रहूं और जैसे वो चली जाएगी फिर बढ़ा दूंगा, तो बेटा ये क्या होती है, इस तरह की गलत एक्टिविटीज को भी प्रमोट करके आप मोनोपोली में बने रहते हो। मैंने बोला मोनोपोली अराइज कैसे होती है, मैंने ये नहीं बोला वो सही है या गलत है, मैंने बोला सिर्फ अराइज कैसे होती है, समझ रहे हो, ये सारे के सारे। फिर अगला मोनोपोलिस्टिक रिवेन्यू करो। बेटा ये आपके सामने जो बनाया है इसको डिमांड करो भी बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हो बेटा आप, रिवेन्यू। यही मेरा डिमांड करो है, यही मेरा रिवेन्यू करो है, ये बोलता है इन द अब्सेंस ऑफ द गवर्नमेंट इंटरवेंशन ए मोनोपोलिस्टिक इज फ्री टू सेट एनी प्राइस। बेटा मैंने बोला था ना प्राइस मेकर भी यही है, प्राइस मेकर भी यही है, क्योंकि ग्रुप ऑफ फर्म्स को क्या बोलते हो, इंडस्ट्री। यहाँ पर सिंगल फर्म ऑटोमेटिकली क्या बन गई, इंडस्ट्री, ठीक है ना। तो ये खुद डिसाइड करता है प्राइस क्या होगा, अगर उसको प्रॉफिट्स को बढ़ाना है तो प्राइस को क्या कर देगा बेटा, इंक्रीज, और कम करना है सोशल वेलफेयर करना तो ठीक है ना, डिक्रीज कर देगा। सिंस द मोनोपोलिस्ट फर्म इज अज्यूम टू बी ओनली प्रोड्यूसर ऑफ ए पार्टिकुलर प्रोडक्ट, इट्स डिमांड कर्व इज आइडेंटिकल विद द मार्केट डिमांड कर्व। इसका डिमांड कर्व मार्केट डिमांड कर्व के आइडेंटिकल होता है। द मार्केट डिमांड कर्व विच एग्जीबिट द टोटल क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट दैट बायर विल ऑफर टू बाय एट ईच प्राइस ऑल्सो शो द क्वांटिटी दैट मोनोपोलिस्टिक। बायर को खरीदना चाहते हैं और मोनोपोलिस्ट बेचना चाहता है, सिंगल ही बंदा, तो उसी का सम टोटल क्या बनेगा मार्केट, उसी का सम टोटल क्या बनेगा बेटा मार्केट, यानी फर्म का जो सम टोटल होगा ना सप्लाई का, वही किसका सम टोटल होगा मार्केट का। बेटा कस्टमर्स आपको पता ही है जितने भी होंगे, ठीक है ना, तो कस्टमर्स जो खरीदना चाहते हैं वो मार्केट बेचना चाहते हैं, इट मीन्स अकेला इंडिविजुअल पर्सन बेचना चाहता है। तो आपका जो डिमांड कर्व किसका होगा बेटा, फर्म का, वही डिमांड कर्व किसका होगा, मार्केट का। जो रिवेन्यू कर्व किसका होगा, फर्म का, वही रिवेन्यू कर्व किसका होगा, मार्केट। इट मीन्स सर आप क्या बोलना चाहते हो, फर्म डिमांड कर्व और रिवेन्यू कर्व जो आपके सामने है इज इक्वल टू इंडस्ट्री और मार्केट, वट एवर आप इसको डिमांड कर्व बोलो या आप क्या बोलो, या आप इसको डिमांड करो बोलो या आप क्या बोलो बेटा, इसको रिवेन्यू करो। ओके, रिपोर्ट है क्या, दोनों के दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब ये होगा
इसने ये दिखा दिया, इसने एम आर को बाहर निकाल रखा बेटा। क्यों? कैन एम आर बी पॉजिटिव नेगेटिव और जीरो? यस सर, एम आर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी। ये क्या है सर? जीरो। ये क्या है सर? नेगेटिव। ये क्या है सर? पॉजिटिव। समझ रहे हो? एम आर कुछ भी हो सकता है बेटा। अब इसने एक टेबल बना रखी है बेटा, उस पर आप क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे। देखिए, इसने बोला क्वांटिटी सोल्ड कितनी है? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन, इलेवन। सर एवरेज प्राइस इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू इज इक्वल टू क्या होता है? प्राइस होता है। तो बेटा वो हो गया 10, 9.509। सब समझ गए हो गया? प्राइस क्यों कम कर रहा हूँ भारती, क्यों कम कर रहा हूँ? क्योंकि बेटा अगर मेरे को ज्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो बेटा? टोटल रिवेन्यू निकाल दोगे क्या प्राइस की मल्टीप्लाई क्वांटिटी से? कर दूं, निकाल दूं बेटा? एम आर निकाल दोगे क्या? टी आर एन माइनस में टी आर एन माइनस वन, कितना ही चीज़ ठीक है। अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इन ए मोनोपोलिस्ट मार्केट, इक्विलिब्रियम ऑफ द मोनोपोली फर्म। सर मेरे को एक बात बताओ, मोनोपोली के अंडर आप अगर प्रॉफिट अराइजिंग की बात करो तो आपको कौन शॉर्ट रन में कौन कौन से प्रॉफिट अराइज होंगे? वही जस्ट लाइक आपके परफेक्ट कॉम्पिटिशन। कौन कौन से मिलेंगे बेटा? एब नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट और मिनिमम लॉस। और बेटा लॉन्ग रन में कौन से होंगे? एब नॉर्मल प्रॉफिट। कौन से होंगे बेटा? एब नॉर्मल, एब नॉर्मल प्रॉफिट। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, आप मोनोपोली की बात कर रहे हो। किसकी बेटा? मोनोपोली। प्रसाद की नहीं, मोनोपोली। यहाँ पे आप अकेले हो तो लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट होंगे? एबनॉर्मल। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, मोनोपोली के अंडर मार्केट की बात करूँ तो शॉर्ट रन में कौन कौन से प्रॉफिट होंगे? एबनॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल प्रॉफिट, मिनिमम लॉस। और सर लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट होंगे? एबनॉर्मल। समझ रहे हो मेरी बात को? अब हम उसके रिगार्डिंग क्या करने वाले हैं? डिस्कशन। तो बेटा मोनोपोली के अंडर में अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल की बात करो तो उसकी कंडीशंस होंगी सिमिलर होंगी। क्या थी? एमसी इज इक्वल टू एम आर, एमसी करव कर्टसी एम आर करव फ्रॉम बिलो साइड, कंडीशन सेम रहता। तो मैं बात करता हूँ शॉर्ट रन की। शॉर्ट रन में आपको कौन कौन से प्रॉफिट होते हैं? सर आपको प्रॉफिट होते हैं एबनॉर्मल। कौन से? एबनॉर्मल। सर आप एमसी क्यूज करने वाले हो तो एबनॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम क्या होता है? एबनॉर्मल प्रॉफिट का दूसरा नाम होता है सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। और इसका तीसरा नाम होता है सर आपका मैक्सिमम प्रॉफिट। याद रखना बेटा ध्यान से, ठीक है? ये आपका होता है सर। एबनॉर्मल प्रॉफिट कब होता है? जब मार्केट में ए आर ग्रेटर देन ए सी होता है। जब मार्केट में ए आर ग्रेटर देन क्या होता है? ए सी होता है। तो आपको कौन से प्रॉफिट होते हैं? एबनॉर्मल। कौन से होते हैं बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं। सर इसका डायग्राम बनाते हैं हम। ये हो गया सर मेरा ए आर, ये हो गया सर मेरा एम आर। सर ए आर ग्रेटर देन ए सी, तो ए सी कहां से जाएगा? ए सी आपका जाएगा अंदर से। ये क्या गया सर आपका? ए ए सी, ठीक है ना? फिर बेटा आपने बोला था एम सी इज इक्वल टू एम आर, एम सी कराओ कट दी एम आर कराओ फ्रॉम बिलो साइड। तो सर बिलो साइड से कहां पे कट करने लग रही है? वो यहां पर। ये आपका इक्विलिब्रियम लेवल आ गया बेटा, ये आपका आ गया आउटपुट। अब देखो आपकी कॉस्ट कितनी आ रही है? सर इतनी आ रही है, क्योंकि एमसी किसके इक्वल होना चाहिए? एम आर के। सर कॉस्ट कितनी आ रही है? इतनी। और सर आपको रिवेन्यू कितनी जनरेट हो रही है? इतनी। तो सर इसके बिटवीन ये हो गया सी और ये हो गया पी। तो बेटा बीच का जो गैप होगा ये किसको रिप्रेजेंट करता है? सर ये रिप्रेजेंट करता है आपके एबनॉर्मल प्रॉफिट को। ओके रिपोर्ट है, ठीक है ना? सर शॉर्ट रन में दूसरा आपको जो रियलाइज होगा वो कौन से प्रॉफिट रियलाइज होंगे? नॉर्मल। कौन से प्रॉफिट रियलाइज होंगे? नॉर्मल प्रॉफिट। और सर नॉर्मल प्रॉफिट कब मिलते हैं? नॉर्मल प्रॉफिट मिलते हैं जब एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू क्या होता है? एवरेज रिवेन्यू। तो सर मैंने क्या लिया? ये आपका आया ए आर, ये आपका आया एम आर। सर बराबर निकालना है ना, तो इसको यहां से कट करते हुए जाओ। तो ये मेरी क्या गई? सर ये मेरी गई एवरेज कॉस्ट। यहां से क्या जाएगी सर आपकी? मार्जिनल कॉस्ट। सर जहां पर कट करने लग रही है ये इक्विलिब्रियम लेवल आ गया, ये आउटपुट आ गया, और ये कहां पे कट करेगा? यहां पे। यानी दोनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है। ये आपने प्राइस सेट किया सर, ये जो आपको मिला है ये आपने जो प्राइस निकाला ये कौन सा प्राइस निकाल दिया? नॉर्मल प्राइस जो आप बात कर रहे थे, ठीक है जी। तीसरे नंबर पे बेटा आप क्या निकालते हो? मिनिमम लॉस। अगर आप स्टार्टिंग में इनिशियली आते हो ना, कई बार आपको प्राइस के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं तो आपको लॉसेस भी हो जाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना? शॉर्ट रन में, लॉन्ग रन में फिर आपको क्या हो गया? मिनिमम लॉस। सर अगर आप मिनिमम लॉस की बात करोगे तो मिनिमम लॉस कब आता है? जब आपका एसी लेस देन होता है, एसी क्या होता है? ग्रेटर देन होता है, सॉरी एवरेज रिवेन्यू।
ठीक है, ये आपका आ गया मिनिमम लॉस। तो अब हम इसका डायग्राम बनाते हैं। सर ये क्या आ गया आपका ए आर, सर ये क्या आ गया आपका एम आर। सर आपने बोला ए सी ज्यादा है, तो ए सी ज्यादा है तो ए सी कहाँ से जाएगा आपका ऊपर से, ये ए सी हो गया। सर ये क्या हो गया मेरा एम सी, ठीक है ना। कहाँ पे कट करने लग रहा है सर, यहाँ पे। अब मैं इसको मिला दूंगा, इसको मिलाने के बाद कॉस्ट कितनी आ रही है बेटा इतनी, और आपकी रिवेन्यू कितनी है इतनी। तो बीच का जो लॉस होगा बेटा ये किसको रिप्रेजेंट करता है, मिनिमम लॉस। किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, मिनिमम। वो एबनॉर्मल प्रॉफिट थे बेटा, ये नॉर्मल थे, और ये क्या है मिनिमम लॉस। किसको मिलते हैं, किसी भी मोनोपोलिस्टिक फर्म को, समझ रहे हो बेटा। फिर ये तो बात ही शॉर्ट रन की। अगर आप लॉन्ग रन की बात करोगे, किसकी बात करोगे, लॉन्ग रन। सर लॉन्ग रन में हमेशा आपको कौन से प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट। कौन से प्रॉफिट देखने को मिलते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट, क्योंकि लॉन्ग रन में आप अपने आप को प्रॉपर मैनर में एस्टैब्लिश कर चुके हो। तो कौन से प्रॉफिट होंगे, एबनॉर्मल। बेटा ये वाला डायग्राम बना देना, सिर्फ एल ए सी एल एम सी और ये सारा दिखा देना। एल ए सी ग्रेटर देन एल ए आर ग्रेटर देन एल ए सी, ये डायग्राम बना दोगे क्या। सर कौन से प्रॉफिट होंगे आपको, एबनॉर्मल प्रॉफिट। आज की इस वीडियो में हमने यहाँ तक किया कि आपको लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम लेवल में परफेक्ट कंपटीशन का टॉपिक, मोनोपोली की फीचर्स पढ़ी, मोनोपोली क्रिएट क्यों होती है, और आपको शॉर्ट रन और लॉन्ग रन में कौन से प्रॉफिट राइज होते हैं। कल हम स्टार्ट करेंगे बेटा प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के टॉपिक से, और कल की डेट में हम मोनोपोली वाला टॉपिक क्या करने वाले हैं, फिनिश करने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।